जो 19 वाले 18 वाले हैं उनको एक्सेल का काफी आइडिया होता है। 2020 वालों ने भी एक्सेल अब तक यूज तो कर लिया होना जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, बट द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आर अ बिट मोर एडवांस। इससे आज की चीजें थोड़ी सी एडवांस है और थोड़ी सी क्विक है, ज्यादा चीजें एज सच नहीं है बिकॉज एक्सेल इज सो इजी टू यूज ना। सो द टॉपिक इज ग्राफिंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। द क्वेश्चन दैट फर्स्ट अराइजेस इन माई माइंड इफ आई एम एन अटेंडी इज कि यार लास्ट टाइम रीजन प्रो किया, बताया कि जी एक्सेल में कुछ ऐसे फीचर है जो रीजन नहीं कर सकता, अब फिर एक्सेल पे आ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट फॉर्म द फाउंडेशन। उसी के लिए मैंने अपनी एक असाइनमेंट भी खोली हुई है। आप लोग जब हम लोग 1-7 को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था हाइड्रोलिक मशीन, अब वो खत्म हो गया है, अब वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन बन गया। उसमें एक हमें असाइनमेंट मिली थी इन विच वी हैव ना, और जो असाइनमेंट के पैरामीटर्स थे ना वो आपके रोल नंबर पर डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, लाइक रोल नंबर चेंज करें वैल्यूज चेंज हुई जा रही है। ठीक है, सो वी हैव टू क्रिएट एन असाइनमेंट। हमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स गिवन थे और हम लोगों ने उसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ ग्राफ्स बनाने थे, कुछ वेरिएशन चेक करनी थी, मुख्तलिफ चीजें करनी थी, और ये सब डिपेंड कर रहा था आपके रोल नंबर पर। सो वी कैन प्लॉट द ग्राफ यूजिंग ओरिजन, वेरी वेल। लेकिन ओरिजन का एक शॉर्टकमिंग ये है कि लाइक मैं एट अ टाइम एक ही वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं हो सकता, ओरिजन में कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, ओरिजन में फॉर्मूला लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एक्सेल। एक्सेल इस मामले में बहुत स्मूथ है। अब ये तो पूरी कैलकुलेशन, जिस तरह इस पूरे जो एक्सेल फाइल में जो कैलकुलेशन हुई है या ग्राफ बने हुए हैं, ये एक रोल नंबर के लिए बने, वो मेरा रोल नंबर है 151। अब सपोज रोल नंबर चेंज होता है तो डेफिनेटली कैलकुलेशन चेंज होनी चाहिए। ओरिजन खुद ब खुद कैलकुलेशन नहीं चेंज कर सकता, उसको तो एक डेटा पॉइंट गिवन है, लेकिन एक्सेल ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक रोल नंबर मैं यहां पे लिखता हूं 108। अब मैं रोल नंबर को एंटर करूंगा, आप लोग देखेंगे कि ये सारी वैल्यूज में कुछ वेरिएशन लाई है। ये आपने अगर जो लाइक गॉड से स्क्रीन देख रहा है उसे महसूस हो रही नहीं, ये देखे अगर मैं 151 दोबारा लिखता हूँ ये वैल्यूज चेंज हो जाती है। मैं 108 लिखता हूं ये वैल्यूज चेंज हो जाती है। ना सिर्फ ये वैल्यूज चेंज होती हैं, इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उन ग्राफ के कोरेस्पॉन्डिंग ये जो अगले पेज पे ग्राफ्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग अगली शीट्स पे जो हिस्टोग्राम है वो चेंज हो जाता है, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब चेंज हो जाती है। ठीक है, एक्सेल में एक बहुत अच्छी एबिलिटी है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कनेक्ट करने की। असल में ये हुआ क्या हुआ, यहाँ पे देखें एक्सेल में एक बड़ी यूनिक एबिलिटी है। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेड प्लस रोल नंबर चाहिए था और रोल नंबर वो यहाँ से पिक कर रहा है। एक्सेल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि वो सेल्स के जरिए मुख्तलिफ फंक्शन को कनेक्ट कर सकता है। अब ये वाले जो रो है ये इस वैल्यू के साथ कनेक्टेड है, आगे वाली वैल्यूज उसके साथ कनेक्टेड है, किसी ना किसी तरह ये सारे सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये सारी एबिलिटी ओरिजन प्रो में नहीं है। ओरिजन काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ओरिजन एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा शीट्स को हैंडल नहीं कर सकता। सो कभी ना कभी हमें एक्सेल की जरूरत पड़ती है, समटाइम्स वी हैव टू यूज एक्सेल। एंड अ लॉट ऑफ टाइम ओरिजन को ना हम एंड पे रॉ डाटा देते हैं हम लोग, लाइक लास्ट टाइम अगर आप लोगों का एक्सेल का भी याद हो, मोहित ने आप लोगों को सारा डाटा आप लोग पहले एक्सेल में डालते हैं, कैलकुलेशन आप लोग एक्सेल में करते हैं और बाद में वही डाटा कॉपी करके ओरिजन में डाल देते हैं और वहां पर आप ग्राफ्स बना लेते हैं। तो ओरिजन इज अ वेरी गुड टूल फॉर ग्राफिंग, आई एग्री, बट फॉर कैलकुलेशन एंड गोइंग टू द आउटकम पैरामीटर यू हैव टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, सो आई थिंक सो इसका भी आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू एक्चुअली यूज दैट। मुझे पर्सनली अपनी असाइनमेंट बहुत पसंद है क्योंकि इसका एक फायदा है। असाइनमेंट मैंने एक बनाई थी, लेकिन यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा अपना रोल नंबर लिखे तो उसे अपनी पूरी कैलकुलेशन मिल जाती है कि पूरे ग्राफ पूरे कैलकुलेशन। मिसाल तौर पर अगर रोल नंबर 1 है, सो एवरीथिंग चेंजेस, ग्राफ चेंज हो गए और एंड पे आपको एक अपने रोल नंबर के मुताबिक आउटकम मिल गई। ये सारा फीचर ये सिर्फ एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज इट्स सो हैंडी टूल। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू प्लॉट ग्राफ्स इन एक्सेल, उसकी क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों को मोहित ने जिन्होंने एक्सेल वाला लेक्चर लिया था, मोहित ने आप लोगों को सिखाया था कि हम एक्सेल में फॉर्मूलाज को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, एक सेल को किस तरह रेफर कर सकते हैं, यूं की चीज आप लोगों ने बेसिक से डिस्कस की थी। तो आज हम लोग कुछ एलिमेंट डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के ग्राफ को हम किस तरह अच्छा बना सकते हैं और उसमें क्या क्या फीचर है जो हमारे स्पेशली हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मदद आ सकती है। सो आई हैव रोट अ कपल ऑफ डेटा सेट्स इन माई एक्सेल शीट और अब हम इनको प्लॉट करने लगे। ठीक है, अब हम लोग इसके ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
पहला डाटा सेट है सिंपल, इसका ग्राफ देखते हैं एक्सेल में ग्राफ बनते हैं किस तरह। एथिक्स तो बड़ा बेसिक से चीज है, सबको आता है। डाटा आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और वी हैव अ कपल ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हियर। इनमें से जो सा सिलेक्ट करना है, वी नो हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, उसके मुताबिक सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कौन सा ग्राफ चाहिए, यहाँ पे एक रिकमेंडेड चार्ट्स की ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करें और वो आपको कुछ रिकमेंडेड चार्ट्स दे देगा कि यार ये प्लॉट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और दिस और दिस। अपनी मर्जी से आप इनमें से जो आपको चाहिए या जो आपको डेटा सेट के मुताबिक अच्छा लग रहा है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप प्लॉट कर सकते हैं। आई थिंक सो रिकमेंडेड चार्ट्स की ऑप्शन बहुत अच्छी होती है जब आप प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं। आप लोगों को नहीं पता यार मैं इसको किस तरह बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन ये रिकमेंडेड चार्ट्स आपको काफी तरीके के ऑप्शन दे देते हैं कि यार इसी डेटा सेट को हम किस तरह इस तरह इस तरह विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो मैं ऑप्शन स्टार्ट कर रहा हूं, इट्स आई एम स्टार्टिंग विद स्कैटर प्लॉट्स। आई थिंक सो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा ग्राफ जो इस्तेमाल होते हैं वो स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल होते हैं, एक्सेल के ग्राफिंग जितने मैकेनिज्म अवेलेबल है आप लोगों की इंजीनियरिंग में, ठीक है। यहाँ पे लाइन के ऑप्शन भी है, 2D लाइन यू कैन यूज दैट इफ यू वॉन्ट। मैं सबसे ज्यादा ये स्कैटर प्लॉट यूज करता हूँ बिकॉज आई थिंक सो दे आर द मोस्ट सिंपल वंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है और एक्सेल की खूबसूरती यही है कि आप किसी भी ऑप्शन पे इवन आप क्लिक नहीं करते, सिर्फ उसके ऊपर अपना माउस होवर करते हैं तो आपको वो बता देता है कि आपका ग्राफ किस तरह का नजर आएगा। आप सिंपल पॉइंट्स चाहते हैं, आप पॉइंट्स के साथ कर्व चाहते हैं, आप सिर्फ कर्व चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स लाइन के थ्रू कनेक्ट हो, या आप चाहते हैं ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो लेकिन इन पे मार्क करना हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इट्स एन ऑप्शन, यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टू एक्सप्लेन, आई एम डूइंग दिस, आई एम सिलेक्टिंग द डेटा, आई एम गोइंग टू द ग्राफ एंड आई एम सिलेक्टिंग दिस, ठीक है। मार्कर्स के साथ कनेक्टेड है लेकिन स्ट्रेट लाइन के थ्रू। जैसे ही आप ग्राफ पर आते हैं आपके सामने ग्राफ आ जाता है और उसके ऊपर सारे पैरामीटर्स उसने आपके डेटा सेट से उठाए, चार पॉइंट से चारों पॉइंट्स को प्लॉट किया और उनको एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो बेसिक चीज है, एक्सेल के ग्राफ को फॉर्मेट किस तरह करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ की कुछ चीजें जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद कि एक्सेल पे आप एक ग्राफ बनाते हैं और वो ना उसका जो वाई एक्सिस होता है ना उसको वो टॉप पे एज अ टाइटल दे देता है। हमें नहीं चाहिए, हमें एक्स वाई एक्सिस के अलग अलग प्लॉट चाहिए, हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसके कलर चेंज करने हैं, कुछ यूं की एडिटिंग। तो जो अभी एडिटिंग सीखने हैं, देखने के एक्सेल के ग्राफ को फॉर्मेट किस तरह करते हैं, एंड देन यू कैन यूज इट एनीवेयर। बाय द वे द बोनस थिंग इज आई थिंक सो ये आई कैन अश्योर के इवन 1.8 और 1.9 वालों को भी नहीं पता होगी कि एक दफा अगर एक्सेल का ग्राफ फॉर्मेट कर ले तो बार बार आप लाइक आपने मल्टीपल ग्राफ बनाने हैं, एक लैब रिपोर्ट में 8 ग्राफ बनाने हैं, जरूरी नहीं कि आप हर ग्राफ को फॉर्मेट करें कि पहले को फॉर्मेट करेंगे फिर दूसरे को फिर तीसरे को, एक को फॉर्मेट कर ले और उसकी तरह आप बाकियों को एक तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि इसका फॉन्ट टाइम न्यू रोमन हो। मैं सिंपल इस ग्राफ को क्लिक करूंगा, यहां से जाके इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, ठीक है। सिंपल सेलेक्ट किया, ग्राफ के अंदर जो एलिमेंट थे सारे के सारे टाइम न्यू रोमन में चले गए, ठीक है। दूसरी चीज मैं चाहता हूं इसका टाइटल ना हो, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने ग्राफ में कैप्शन देना होता है तो टाइटल की जरूरत नहीं। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और अपने लैपटॉप पर डिलीट के ऑप्शन दबाऊंगा और वो हो गया डिलीट। एक्सेल के ग्राफ की एक ये खूबसूरती है कि लाइक आप इसको ना जितना मर्जी रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बड़ा छोटा कर सकता हूं। दूसरी चीज, अब मैं इस पे जाता हूं, सबसे पहले तो ये इस ग्राफ की ना एक बाहर बाउंड्री है, ठीक है। लाइक अगर मैं आप लोगों को जाके ये एक्सेल के वो ग्रिड लाइंस खत्म करूं तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि ये इस ग्राफ के बाहर भी बाउंड्री है। मैं इसको खत्म कर सकता हूं इस पे सिलेक्ट करके, आउटलाइन पे क्लिक करके, और इसको नो आउटलाइन कर देता हूं, बाहर वाली बाउंड्री होगी खत्म, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए होती, हमें ग्राफ की बाउंड्रीज चाहिए होती। दूसरी चीज जो मुझे नहीं पसंद कि इस ग्राफ की बाउंड्री बहुत लाइट ग्रे होती है, सो वी कैन नॉट इवन सी इट, वी कैन चेंज इट। आप अपने ग्राफ की बाउंड्री पे क्लिक करें, राइट क्लिक, यहाँ पे आउटलाइन की ऑप्शन आ जाती है, एंड आई थिंक सो ब्लैक इज द मोस्ट बेस्ट वन। आप लोगों के ग्राफ में लाइक रिपोर्ट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट होती है ज्यादातर, जस्ट चेंज इट टू ब्लैक और आपको देखें उसने इन दो बाउंड्रीज को ब्लैक कन्वर्ट कर दिया। एक चीज उसने नहीं किया, उसने एक्स वाई एक्सिस को नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज एक्स वाई एक्सिस अलग एक्सिस होती है तो आपको इनको अलग से इन एक्सिस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और आउटलाइन से इसको ब्लैक कर दिया।
इसी तरह इधर एक्सिस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, आउटलाइन और ब्लैक, ठीक है। अब वो पूरे ग्राफ के अबाउट एक मेरा बाउंड्री बन गया जो अक्सर ग्राफ में नजर आती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं बनानी ना बनाएंगे आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जहां तक एक रिकमेंडेशन है कि हर ग्राफ के गिर बाउंड्री बनाए ताकि पता हो कि ग्राफ कहां जा रहा है। ओके, अब जो एक्सेल की फॉर्मेटिंग आती है यहां पे चार्ट, ये ऊपर आपको चार्ट टूल्स नजर आ रहे हैं जैसे आप ग्राफ पे क्लिक करते हैं। अगर मैं बाहर जाता हूं वो खत्म हो जाते हैं, ग्राफ पे क्लिक करता हूं तो ऊपर ये चार्ट टूल्स के ऑप्शन नजर आ जाती है। ये आ रही है नजर सबको? जी आ रही है। यहां पे फॉर्मेट पे क्लिक करें, ठीक है, और यहां पे कुछ शेप फिल्स की ऑप्शन आ जाती है, और डिजाइन पे क्लिक करें तो आपके पास चार्ट को एडिट करने की कुछ ऑप्शन आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज यहाँ पे ये वाला फीचर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ऐड चार्ट एलिमेंट्स, इस पे क्लिक करें तो आपके पास कुछ चार्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं। आप एक्सेस ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, एक्सेस पे टाइटल दे सकते हैं। सपोज मैं एक्सेस को टाइटल देना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी, मैं इन दोनों को देना चाहता हूँ टाइटल, ठीक है। सो मैं यहां से इन्हें दे सकता हूँ टाइटल, यहाँ पे उसने एक्सेस टाइटल की ऑप्शन दे दी। अब यहाँ पे मल्टीपल तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि मैं टाइप कर दूं, वो भी ठीक है। मिसाल तौर पर मैं इसे सिलेक्ट करके यहां पे लिख देता हूं मेरी स्पीड है इन आरपीएम, ये एक्स एक्सिस का लेबल हो गया। एक तरीका ये है कि मैं सिर्फ इस बॉक्स को सिलेक्ट करूं, यहां पे फॉर्मूला शीट है ना, मैं इक्वल टू लिख देता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस का टाइटल है, यहां से इसे पिक कर ले। ये बात आपको समझ आई? जिस तरह सेल रेफरेंसिंग में होता है, पहले मैं कंट्रोल डी करके दोबारा दिखाता हूं। सपोज मेरी शीट पे कहीं वो टाइटल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं मैं टाइप ना करूं, डायरेक्ट उसको उससे रिलेट कर दूं। आप अपने टाइटल को क्लिक करें, यहां पे जाएं फॉर्मूला में, इक्वल क्लिक करें, और यहां पे मेरा टाइटल लिखा ना, मैं इस सेल को रेफर कर देता हूं, क्लिक करूंगा और वो देखें वो वहां पे मेरा सेल रेफर हो जाता है। इसी तरह आप यहां पे भी कर सकते हैं इक्वल टू, ये बीएसएफसी का ग्राफ है और ये आपने उसे कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपकी मर्जी है, आप मैनुअली टाइप करना चाहते हैं या उसे सेल को रेफर करना चाहते हैं। एक और चीज मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा डार्क हो, तो मैं इसका कलर कन्वर्ट कर देता हूं ब्लैक, इसको थोड़ा कर देता हूं बोल्ड, और सेल साइज बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हैं बोल्ड, ब्लैक और साइज बढ़ा सकते हैं। अब ये आपको साफ क्लियरली पता चल रहा है कि आपका एक टाइटल है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, पूरी अगर ग्राफ को आपने ब्लैक एंड व्हाइट ही करना है तो आप ग्राफ को भी, लाइन को भी ब्लैक कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मेट में जाएं, शेप फिल को कर दें ब्लैक, इससे वो मार्कर्स ब्लैक हो जाएंगे, और शेप आउटलाइन को भी कर दें ब्लैक, इससे आपकी लाइन ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ग्रिड लाइंस, ये आपकी मर्जी होती है, आप डालना चाहें तो डाल दें। ग्रिड लाइन ये वाली लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टली डली है और वर्टिकली डली है, आपकी मर्जी है, टीचर ने कहा डाल दें, यूजुअली ग्राफ्स में नहीं होती। तो आप यहां पे जाएं चार्ट एलिमेंट में और ग्रिड लाइंस में जाके इन्हें कर दें क्लोज, यहां से गए ग्रिड लाइंस में गए क्लोज, ठीक है। अब अपेरेंटली लग रहा है कि लाइक एक ही ग्राफ पे इतनी एफर्ट करनी पड़ रही, लेकिन बिलीव मी, आप सिर्फ एक ग्राफ को एडिट कर लें, उसके बाद जितने ग्राफ्स होंगे वो उस तरह फॉर्मेट हो जाएंगे। वी विल डिस्कस इट ऑल्सो इन द सेशन। ग्रिड लाइंस खत्म होगी, मैंने ग्राफ की लाइन को एडिट कर लिया। इसके अलावा जो फीचर है वो भी एक दफा देख लें इफ यू वांट टू ऐड, ठीक है। वो सबसे पहले एक्सेस टाइटल मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया, इफ यू वांट टू ऐड द चार्ट टाइटल यू कैन ऐड, इफ यू वांट टू ऐड द डाटा लेबल, डाटा लेबल होता है जैसे हम लोग वो 8th क्लास में ग्राफ बनाते थे ना, तो उस पर लिखते थे ये पॉइंट है 0.2, सो यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। यहाँ पे आप सेंटर पे ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट के बताएं कि यहाँ पे क्या वैल्यूज है। If you want to add error bars, आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े, but you can add error bars, वो बताता है कि आपके ग्राफ में कितने fluctuation है। Grid line add कर सकते हैं, legends add कर सकते हैं, we will also discuss legends, और trend line add कर सकते हैं, जो आपको teacher कहते हैं ना best fit line add कर दे, so you can add that also, ठीक है, using this feature, we will also discuss the trend line, ये मैं बल्कि next graph में यही discuss करनी है, trend line, ठीक है, so this is the most simple way of plotting graph in Excel, ठीक है। एक चीज जो मेरी रहेगी, आप लोगों ने कुछ ग्राफ में देखा होना, बल्कि मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाता हूं, इफ देयर इज, नहीं यहां पे नहीं है, यहां पे है, ये देखें लाइन में यहां पे निकले होते हैं टिक्स बाहर, ठीक है। यू कैन आल्सो डू दैट इन एक्सेल, ये टिक्स बाहर होते हैं, आपकी मर्जी है इफ यू वॉन्ट दिस फीचर और नॉट। सपोज मैं चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टिक्स हो, क्लिक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट क्लिक इट एंड प्रेस फॉर्मेट एक्सिस, ठीक है। फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आपके पास एक्सिस की कुछ ऑप्शन आ गई। सबसे पहले वो आपने पूछा एक्सिस बाउंड क्या है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बता दें। मेजर, मेजर का मतलब है ये दो वैल्यूज के दरमियान कितना फासला है मेजर में और माइनर में, जो छोटी लाइंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा है टिक मार्क्स, टिक मार्क्स पे क्लिक करें तो आपसे कह रहा है मेजर और माइनर, अभी कोई टिक मार्क नहीं है, आप इन्हें अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे नन की जगह आप, आपकी मर्जी है, इनसाइड चाहते हैं तो इनसाइड कर दें, आउटसाइड पे चाहते हैं तो आउटसाइड कर दें, और मैं ज्यादातर क्रॉस करता हूँ, सो यू कैन यूज दैट फीचर एज वेल। और यहाँ पे देखें वो डाटा लाइन लागे, वो आपको पता चल जाता है वो पॉइंट असल में किस कहाँ लाई कर रहा है। इसी तरह आप माइनर टिक्स भी अलाउ कर सकते हैं, क्रॉस में करना है क्रॉस में करना है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो आई थिंक सो माइनर को नहीं रहने देते, सिर्फ मेजर काम करते हैं। इसी को अगर आप फॉर्मेट एक्सिस के ऑप्शन को खुला रहते हुए अगर आप वाई एक्सिस पे क्लिक करें तो वहां पे उसकी फॉर्मेट एक्सिस के ऑप्शन आ जाएगी और आप इसके भी लाइन टिक्स को अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, मैंने आप लोगों को बता दिया कि फॉर्मेटिंग के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो यह है कि मैं इस पर क्लिक करूं और डिजाइन में मेरे पास यहां से एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर यहां पे कुछ एलिमेंट नहीं अवेलेबल, जैसे ना टिक्स नहीं अवेलेबल, ठीक है, सो यू कैन डू वन थिंग, जस्ट राइट क्लिक और फॉर्मेट ऑप्शन आ जाती है, यहां पे टैब अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, यह आपकी मर्जी है, व्हाट्स एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? बस भाई आखिरी वाली रिपीट कर, आखिरी वाली ऑप्शन जो मैंने टिक्स वाली बताई है, हाँ जी ये वाली। और दूसरी बात, अगर हमने अपना एक्सेस स्टार्ट जैसे अब यहाँ 880 से और अगर हमें 900 से करना हो तो वही फॉर्मेट से करेंगे, वो भी बता दें। हाँ वो भी, ये देखें पहले एक्सेस वाली बात सुन लें जो आपने बाद में पूछी है। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सेस पे किया और मैं चाहता हूँ मेरी एक्सेस 900 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे देखे उसने लिखा है मिनिमम मेरी 880 से स्टार्ट हो रही है, मैं इसे चेंज कर दूंगा 900 और ये देखेंगे आपके, आपकी एक्सेस चेंज हो गई, अब 900 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यू कैन डू दैट एनी वे, आप सिंपल फॉर्मेट एक्सिस पे जाएं, आप इसे 850 भी कन्वर्ट कर सकते हैं 850, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। एक्सेल खुद ब खुद एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ढूंढता है जिसपे आपका ग्राफ अच्छा लगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप चेंज करना चाहते हैं तो कर ले। दूसरी चीज ये कि मैंने बताया कि यहाँ पे टिक्स, ये जो आपको ये छोटी छोटी लाइन्स नजर आ रही है यहाँ पे, ये पहले नहीं थी, मैं चाहता हूं कि ये अवेलेबल हो जाए, सो इट्स वेरी सिंपल। आप एक्सिस पे क्लिक करें, ये एक उसके अबाउट बॉक्स आ जाएगा, राइट क्लिक फॉर्मेट एक्सिस, और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको यहाँ पे नजर आता है टिक मार्क्स, यहां से आप टिक मार्क्स पे क्लिक करें, मेजर टिक मार्क्स भी आप अलाउ कर सकते हैं इनसाइड आउटसाइड एनीवेयर, और माइनर टिक मार्क्स भी आप अवेलेबल कर सकते हैं इनसाइड आउटसाइड एनीवेयर, यू कैन चेंज इट, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं इनके दरमियान फासला भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखें माइनर है 4 पे, आप चाहे तो उसे 10 पे कर सकते हैं, आप वो देखें वो कम हो गया, ठीक है। सो यू कैन एडिट अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन फॉर्मेट, फॉर्मेट टैब अवेलेबल, ठीक है। ठीक है वासी भाई, थैंक यू। ओके, सो दिस इज द बेसिक ग्राफ, एक बेसिक ग्राफ किस तरह पकड़ना और उसे एक्सेल में अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट किस तरह करना है, ठीक है। एक चीज जो मैंने देखी है जनरली, लाइक इवन द फोर्थ ईयर स्टूडेंट डू दैट, वो ये यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन होते हैं या लाइक ये रंग बिरंगे, यू कैन यूज दैट इफ यू वॉन्ट, आई डोंट पर्सनली फाउंड देम टू बी इफेक्टिव, बिकॉज मैंने नहीं देखा बुक्स में कभी इतने रंगीले किस्म के ग्राफ्स हो। ऑलवेज रिमेंबर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग सिंपल इज बेटर, ठीक है। आई थिंक जो सिंपल चीजें ज्यादा बेटर होती है, बिकॉज प्रिंटिंग में इजी होती है, इजीली विजुलाइज हो सकती है, और रंग बरंगों का एक और मसला होता है, मे बी रीडर कलर ब्लाइंड हो क्या मसला है, सो वो आपके ग्राफ ही ना नजर आए, सो दैट्स ऑल द, ये कलर ब्लाइंड वाला जोक था तो सीरियस नहीं लेना, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, सो आई थिंक सो कीप दैट एज सिंपल एज पॉसिबल, और कोई देख लें बुक पे कि यार उसने इस तरह ग्राफ ड्रॉ किया और उस तरह अपने ग्राफ को फॉर्मेट कर लें, ठीक है। सो दिस वॉज द सिंपल वे ऑफ प्लॉटिंग अ ग्राफ, यहां तक समझ आ गया आप सबको? क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टैब। ओके, सो आई थिंक सो खामोशी का मतलब नीम रजामंदी होता है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं जो आप लोग अक्सर इंजीनियरिंग में इंकाउंटर करोगे, टीचर आपको डाटा आपने एक्सपेरिमेंट से ले लिया, टीचर आपको कहते हैं इसकी बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करके लाना, सो हाउ टू डू दैट इन एक्सेल, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कुछ लोगों को, बट लेट्स डू दैट। अब से जो ग्राफ्स है मैं उनको एडिट नहीं कर रहा,
उनको सिर्फ आप लोगों को जो मेजर आइडिया लाइक इसमें सिर्फ आपको लीनियर फिटिंग का बताना है, एडिटिंग आप लोगों ने सीख लिया है, ये मेरे पास डाटा है, मैं इसको प्लॉट करता हूं, दिस टाइम आई यूज दिस ताकि आपको सब फीचर्स का आइडिया हो, ये वाला मैंने फीचर यूज कर लिया। अब इस ग्राफ में एक जो मुझे सबसे बड़ा इश्यू है वो ये देखें, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 1200 से, इसने स्टार्ट किया जीरो से, यू कैन चेंज इट, फॉर्मेट एक्सिस पे जाए, एग्जैक्ट 1200 से ना स्टार्ट करें, उससे थोड़ा सा पहले से कर लें, 1150 से स्टार्ट कर लें, और अब मेरे हाथ से ग्राफ थोड़ा बेहतर लग रहा है, इसे 1700 तक ले जाएं, अब ग्राफ जरा थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। से मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, इसे आप अपने मर्जी के मुताबिक जिस तरह एडिट करना चाहते हैं करें। जो चीज मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं कि हाउ टू एड अ ट्रेंड लाइन, अब ये ग्राफ तो बन गया, अब इसमें ट्रेंड लाइन किस तरह एड करनी है, इट्स वेरी सिंपल, यहां से डिजाइन टैब में जाए, एड एलिमेंट्स में गए, और यहां पे आपको ट्रेंड लाइन की ऑप्शन नजर आ रही है, ये वाली ऑप्शन नजर आ रही है सबको जी भाई। ट्रेंड लाइन में आपके पास काफी सारी ऑप्शन है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर फोरकास्ट, इसके अलावा मोर ट्रेंड लाइन नीचे ऑप्शन भी है, लेकिन जो टीचर आपको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करें, इट्स एक्चुअली द लीनियर लाइन, और इट कैन बी अ पॉलिनोमियल, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं कि पॉलिनोमियल फिटिंग क्या होती है। सबसे पहले लीनियर फिटिंग तो बहुत सिंपल है कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो आपके डाटा को मेजरली रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जिस तरह यहां पे आपका जो डाटा सेट है ये ग्राफिकल है, कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा, तो आप एक लीनियर फिट से ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, आपको देखेंगे लाइन बनती हुई नजर आई है आपको, ये वाली लाइन, ये एक्चुअली आपकी, ये आपकी एक्चुअली बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन है, अगर आप लोगों को पता है आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, अगर वो क्वाड्रेटिक होगा तो आपको एक कर्व मिलेगा, क्यूबिक होगा तो एक और स्टीप कर्व मिलेगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये लाइन मेरे पास आ गई, एक तो मुझे ये ओवरऑल अंदाजा दे रही है कि मेरा ट्रेंड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल इसका मैं कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूं इफ आई वांट, ठीक है, ताकि ये स्टैंड आउट कर जाए, ये मेरे पास एक बेसिक ट्रेंड हो गया। अब मैं चाहता हूं इस लाइन की मेरे पास इक्वेशन भी हो ताकि मुझे पता चले इसका स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है लाइन दो ही चीजों से रिप्रेजेंट होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो स्लोप और इंटरसेप्ट होना चाहिए। अब वो देखें किस तरह फाइंड करते हैं एक लाइन की इक्वेशन। लाइन पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट ट्रेंड लाइन पे जाएं, ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको यहां पे नजर आएगा डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, ठीक है। आप डिस्प्ले करें इक्वेशन और ये देखें ये आपकी जो उस लाइन की इक्वेशन थी ये उसने चार्ट पे शो कर दी। मैं इसे थोड़ा सा साइड पे लेके आ रहा हूं, यहां पे करें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए। ये आपको इस लाइन की इक्वेशन नजर आ रही, y is equal to this x plus this। अब आप लोगों को पता है y is equal to mx होता है तो m स्लोप होती है, तो जो x के साथ है ये स्लोप है और नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन आपकी डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, नेगेटिव स्लोप, और ये इसका इंटरसेप्ट है। सो इस तरह आप इस लाइन का इंटरसेप्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज जो आप इस लाइन की फाइंड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो मैंने लीनियर फिटिंग आपको ओरिजिन में भी करवाई थी, मैंने कहा था r स्क्वायर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आप फॉर्मेट ट्रेंड लाइन में जाएं, नीचे यहां पे लिखा है डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट, इस पे क्लिक करें तो ये देखें उसने यहां पे आर स्क्वायर वैल्यू आपको शो कर दी। आर स्क्वायर वैल्यू आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन जो 1819 वाले उन्होंने स्टैटिक्स शायद पढ़ ली, स्टैट सिंपल वो बताते हैं आर स्क्वायर असल में पता है क्या बताता है, अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के करीब होना, इसका मतलब आपका ग्राफ और आपकी लाइन काफी क्लोज है, उनके दरमियान वेरिएशन कम है, लेकिन यहां पे देखें ये 0.28 है, तो आपको भी नजर आ रहा है कि ग्राफ और लाइन काफी दूर दूर है, लाइन काफी लाइक ओनली 28% ऑफ द लाइन इज एक्चुअली, लाइक सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं 28% ऑफ द लाइन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ, ग्राफ लाइन से काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। सो आर स्क्वायर बहुत अच्छा पैरामीटर होता है, तो जब भी आपको टीचर कहे ना कि बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करके देनी है, तो आप साथ उस पर ये ग्राफ जो उसकी इक्वेशन और आर स्क्वायर भी लिख दें, इससे आपका ना डाटा स्टेटिस्टिकल हो जाता है। आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। लीनियर फिटिंग आप लोगों को समझ आ गई, हाउ टू डू दैट लीनियर फिटिंग थिंग इन एक्सेल जी भाई, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू लीनियर फिटिंग इन एक्सेल, इसे लीनियर फिटिंग कहते हैं, बेस्ट फिट लाइन रिग्रेशन एनालिसिस, ये मुख्तलिफ नाम है इनके, और ये काफी जल्दी हो जाता है।
मैंने आप लोगों को ओरिजिन पे भी सिखाया था, आप डायरेक्ट ओरिजिन पे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले एक्सेल पे बना के चेक कर लें, उसके बाद ओरिजिन पे रिपोर्ट्स के लिए बनाते रहे, तो ये आपकी मर्जी है। अब जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है पॉलिनोमियल फिटिंग, उसकी पहले देखें जरूरत क्यों पड़ी। ये देखें, हमने इसको लीनियरली फिट तो कर लिया, लेकिन ये लाइन सिर्फ 28% तक उसे रिप्रेजेंट कर दिया रफली स्पीकिंग, तो कोई ऐसा कर्व जरूर होगा जो इस डाटा को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके लिए हम पॉलिनोमियल फिटिंग। अब ये देखें, ये कर्व भी एक तरह का, ग्राफ भी एक तरह का कर्व है, उस तरह के कर्व को फिट करने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल फिटिंग यूज करते हैं। ये देखें इसे यूज किस तरह करते हैं, मैंने यहाँ पे एक डाटा सेट लिया है इंजन स्पीड और टॉर्क का, मैं इसे प्लॉट करता हूँ यूजिंग दिस फीचर, कोई भी यूज कर ले आपकी मर्जी है, ये वाला यूज कर ले। अब ये एक बेट हंगम सा ग्राफ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, आई थिंक सो 900 वुड सूट, 900, हाँ 900 बेहतर है। ये मेरे पास एक ग्राफ है, अब मैं इसे लीनियरली फिट करके जरा चेक करता हूँ, देखता हूँ लीनियर फिटिंग क्या कर सकती है इसका। लीनियर फिटिंग, लीनियर फिट, मैंने इसे क्लिक किया, ये लीनियर फिट आ गया, लेकिन लीनियरली इसे काफी हद तक रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि किसी कर्व के साथ इसे फिट करके देखूं। अब मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ, अभी तक जो प्रोसीजर था वो पिछले ग्राफ वाला ही था, ठीक है, हाउ टू डू लीनियर फिटिंग। इसे लीनियर फिट को आप पॉलिनोमियल फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल का मतलब आप इसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फोर्थ डिग्री तक लेकर जा सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ आगे भी डिग्री तक। आप इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट ट्रेंड लाइन के ऑप्शन में जाए, और यहाँ पे आपको ये नीचे देता है ऑप्शन पॉलिनोमियल फिटिंग की, पॉलिनोमियल फिटिंग की ऑप्शन नजर आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? ओके, आप पॉलिनोमियल पे क्लिक करें, अभी देखना क्या होता है, यही लाइन कर्व बन गया। अभी इसका ऑर्डर है 2, आप ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, 3 कर लें, 4, 5, 6 तक एक्सेल में ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी के लिए सिर्फ 2 रख रहा हूं। अब ये देखें, वो जो पहले आपकी लाइन थी उसको इसने कर्व में कन्वर्ट कर दिया, आप उसकी इक्वेशन डिस्प्ले कर लें, आर स्क्वायर डिस्प्ले कर लें। अब देखें, पहले जो आप लोगों की लीनियर थी वो 28% कुछ रिप्रेजेंट कर रही थी, वो पिछले वाले का था, इसकी भी काफी कम रिप्रेजेंट कर रही थी, जब हमने उसी को पॉलिनोमियल फिट किया तो देखें 0.8 होगी, 1 के करीब चला गया डाटा, ठीक है। तो ये फर्क होता है लीनियर फिटिंग का और पॉलिनोमियल फिटिंग का, पॉलिनोमियल फिट आपके उसी डाटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, इक्वेशन भी डिस्प्ले करा ली और आर्टिकल से पता चल जाता है डाटा कितना बेहतर डिस्प्ले है। ये बात समझ आई आप लोगों को? मैंने साथ साथ ही खोला हुआ था, अभी मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा, समय नहीं लगेगा आपसे। ओके, मैं ना आप लोगों को ना 3 या 4 टेबल सेंड करता हूँ इंशाल्लाह कल तक या आज रात तक, उसमें ना मुख्तलिफ टैब्स बने होंगे यहीं के, लीनियर फिटिंग, पॉलिनोमियल फिटिंग, वो डाटा होगा, आपने उस डाटा को ग्राफ बनाना है, उसकी एडिटिंग करनी है और उसको यूं लीनियर और पॉलिनोमियल फिट करके चेक करना है, ठीक है, तो वो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ठीक है। अगर आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं ना, तो आई विल ऑल्सो सेंड यू अ यूट्यूब चैनल जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट इफ यू वॉन्ट। सो उससे काफी मजे की एक्सेल पे ना वो एक्सपेरिमेंट करती रहती लड़की, सो शी इज वेरी गुड एट एक्सेल, इफ यू वांट टू लर्न एक्सेल आई सेंड यू एज वेल। चैनल का नेम है लीला घरानी, लीला घरानी चैनल का नेम है, आई शेयर द लिंक, ठीक है, सो आप लोग वो चेक करना, काफी मजे का चैनल है फॉर एक्सेल यूट्यूब चैनल, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बार ग्राफ और पाई चार्ट, सॉरी इसका नाम बार ग्राफ पता नहीं मैंने क्यों रखा है, इट्स पाई चार्ट। पाई चार्ट आप लोगों के काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, सो हाउ टू प्लॉट दैट यूजिंग एक्सेल, पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। आई वॉन्ट, मेरे पास एक डाटा है और मैं इसका पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ। पाई चार्ट आप सब लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, सो मैंने डाटा सिलेक्ट किया, मैं चार्ट के ऑप्शन में गया, पहले तो मैं रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करके देख लेता हूँ, ये देखें उसने मुझे पाई चार्ट की सजेशन खुद ब खुद दे दी है। आई कैन डू दैट इफ आई वॉन्ट, मैं यहां से ओके पे क्लिक करूंगा और वो देखें पाई चार्ट बन गया मेरे पास। पाई चार्ट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डेटा क्लासिफिकेशन, आपको साफ से बात पता चल रहा है
ये जो येलो रीजन है वो सबसे ज्यादा, इट मीन अनअकाउंटेड लॉसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब पाई चार्ट इन अ वेरी सिंपल वे, इफ यू वांट टू चेंज द कलर्स यू कैन, यहाँ पे आपके पास कलर चेंज की ऑप्शन है। इफ यू वांट टू चेंज एनी कलर, सिलेक्ट एनी कलर, यू कैन डू दैट, ठीक है। कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और जो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ऐड चार्ट एलिमेंट, डेटा लेबल्स, और यहाँ पे आप सेंटर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो मुझे पसंद है आप आउटसाइड रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप आउटसाइड पे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपको पता चल रहा है हर रीजन की क्या वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद आप अगर लेजेंड्स को यहाँ पे उसने बॉटम में डाला है, आप इसे, ये होते हैं लेजेंड्स, लेजेंड्स बता रहे होते हैं मिसाल तौर पर ये ब्लू वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है असल में। सो आप इस लेजेंड को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट पे, टॉप पे, लेफ्ट पे, जहां पे आपको अच्छे लगे, ठीक है। इसके बाद आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, दैट्स द थिंग। तो ये आपका एक तरीका है हाउ यू कैन प्लॉट अ सेम ग्राफ, पाई चार्ट और बार चार्ट, ठीक है। इसी डाटा को आप बार चार्ट पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा सेलेक्ट किया। बाय द वे पाई चार्ट के ऑप्शन ये अवेलेबल है, 2D पाई चार्ट भी होते हैं, 3D पाई चार्ट भी होते हैं एक्सेल में, और इसी डाटा को आप एज अ बार ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम चार्ट जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे ये देखे, मैंने उसे 2D कॉलम चार्ट पे सिलेक्ट किया और ये मेरे पास आ गया। ये भी एक तरीका है सेम डाटा को रिप्रेजेंट करने का, मैं इसे थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं। अब ये मुझे बता रहा है कि किस चीज का कितनी वेटेज है, परसेंटेज है। आई थिंक सो आई कैन अज्यूम कि आप सबको बार ग्राफ और पाई चार्ट का पता है, ये दोनों सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन के अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट देम इन एक्सेल। अब इससे आपको बड़ा इजी हो जाता है कंपैरिजन करना। मैं आप लोगों को बताऊं एक चीज, अगर आप सीख सकते हैं ना तो अपने हर चीज को ना, इफ यू कैन इंजीनियरिंग में, तो थ्योरेटिकली बात करें। मेरा एक दोस्त है अरसलान, मेरी हमेशा उससे यही बहस नहीं होती, ही इज काइंड ऑफ ना, वो चीजों को सोचता है लॉजिकली, एंड आई एम द पर्सन हु थिंक्स देम मैथमेटिकली। सो आई थिंक सो इफ यू कैन डिफाइन कि आप किस तरह सोचते हैं तो आपको बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। और मैं पहले अकेडमी में पढ़ाता था और वहां पे मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, मेरे सामने रिजल्ट शीट है, मुझे नहीं पता बच्चों के कहाँ पे लूज कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, आप उसी को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, आपको एक मिनट में पता चलता था कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में लूज कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स द वे, दैट्स, जितना अभी मैंने आपको दो चीजें दिखाई हैं, ये दो डेटा को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, यू कैन चेंज देम एनी वे यू वांट, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, वी कैन ड्रॉ पाई चार्ट और कॉलम चार्ट इन एक्सेल। इस एक्सेल में इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं, पाई चार्ट की ऑप्शन है, ये आप लोगों की बहुत मदद आती है। इसके अलावा हिस्टोग्राम के ऑप्शन है, हिस्टोग्राम आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, वो भी आप लोगों को पता है। बार ग्राफ है, लाइन चार्ट है, ये ट्री मैप है, ट्री मैप वी विल डिस्कस समडे एल्स, आई थिंक सो, ये इतना इंजीनियरिंग में यूज नहीं है इसका। वाटरफॉल ग्राफ्स, 3D ग्राफ्स, ये भी इतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं, जो मेजरली यूज होते हैं पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स, ये मेजरली यूज होते हैं, ठीक है। That's the thing. ये वाली चीज समझ आई है, पाई चार्ट और बार चार्ट बनाना, दे आर वेरी सिंपल, उसमें लाइन की तरह मसले नहीं होते, जस्ट जल्दी से बना लेते हैं आप लोग, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है जी? वैसे भी क्लियर है जी भाई। जी भाई क्लियर है जी भाई। ओके, अब जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, इट्स अ टेक्निक जो आई हाईली रिकमेंड यू टू यूज इन एक्सेल। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया इंजन स्पीड के साथ टॉर्क का। अब ये डेटा बहुत रैंडम है, अगर आप लोग देखें 1100 1300 1500 1200, बिल्कुल डेटा रैंडम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डेटा का क्या करूं, ठीक है। ओरिजिन में आप लोग इसे और अरेंज नहीं कर सकते, एक्सेल में आप लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। किस तरह, मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, ये याद रखिएगा। एक्सेल में एक चीज जो मैं आपको बताता हूं कि एक्सेल में जो भी डेटा डाले ना, उसे एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर ले, इट जस्ट टेक्स अ सेकेंड, बट वो आप लोगों को ना बहुत इजी कर देता है डाटा को मैनेज करना। देखें किस तरह, पहले मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं, एक तो ऑप्शन ये है, मैं आप लोगों को यहां पे साथ एक शॉर्टकट भी बताता जाता हूं जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करें नीचे ड्रैग करके, और फिर इधर ये डाटा सिलेक्ट कर दिया, एक शॉर्टकट देख लें, आप लोगों को बहुत मदद करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस डाटा के बॉटम पे सारा एरिया सिलेक्ट करूं, इट्स वेरी सिंपल, कंट्रोल
शिफ्ट और एरो कीज में जो बॉटम वाला बटन होता है ना नीचे जाने के लिए, उसे प्रेस करें तो आप देखेंगे आपका सारा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। ओके ये मैं ये शॉर्टकट समझ आया, कंट्रोल शिफ्ट और मैं यहां पे लिख देता हूं डाउन एरो, एरो एरर हो गया ये, एरो एरो ओके ठीक है। यह बड़ा इजी शॉर्टकट है तो टाइम ही बचाता है। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल ए अभी देखे, कंट्रोल ए के अंदर हम देखना क्या होता है, कंट्रोल ए ठीक है, कंट्रोल ए इट वर्क्स वेरी वेल ठीक है, लेकिन वो जो ये कंट्रोल शिफ्ट एरो ना, कंट्रोल ए क्या करता है, कंट्रोल ए आपका पूरा डाटा सिलेक्ट कर देता है। बाय द वे बहुत अच्छा शॉर्टकट है ये, मुझे भी अभी अभी पता चला, कंट्रोल ए पूरा डाटा सिलेक्ट कर देता है, हाँ ये अच्छा है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्या करता है, आपका एक रो में लेकर जाता है और फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट जो बाकी अगला दबाना पड़ता है अगले रो में लेके जाने के लिए, हाँ ये अच्छा है। कंट्रोल ए आपका पूरा डाटा सिलेक्ट, बात ही खत्म ठीक है। वासिफ भाई जरा मैंने पूछा था कंट्रोल ए का वो क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ मैंने कंट्रोल ए दबाया वो सारा कुछ ब्लू हो गया। और आपका डाटा नहीं है? नहीं वो ना गलती से मैंने इस स्क्रीन पे दबा दी, पूरा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ब्लू हुआ हुआ है। कंट्रोल इसमें ये होता है कि पहले कंट्रोल कंट्रोल ए करो तो सारी शीट सिलेक्ट होती है, लेकिन अगर आपका डाटा हो तो फिर पहले वो डाटा सिलेक्ट करता है फिर पूरी शीट सिलेक्ट करता है। वासी भाई अगर ऐसे हो के मतलब एक कॉलम छोड़ के एक हमने सिलेक्ट करना हो, मतलब एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया ना उसके बाद एक को छोड़ के कोरिस्पोंडिंग नहीं सिलेक्ट करने और एक को छोड़ के दूसरा सिलेक्ट करना है, फिर वो वाला जो आपने बताया हाँ फिर वो वाला बेहतर है। फिलहाल कुछ बोल ले आप। हाँ उसके लिए ना आप लाइक पहला कॉलम सिलेक्ट कर लिया उसके बाद कंट्रोल दबाए ठीक है, और फिर सेकेंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। जिस तरह ये आपके पास ऊपर हेडर रो है ना एबीसी वाली, अगर आप उसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो पूरी पूरा कॉलम वो सिलेक्ट कर लेगा। ये कह रहा बिलाल जून सिलेक्ट कर लेना। हाँ जी ठीक है बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल ए से सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया आपने, अनसिलेक्ट करना है तो आप एस्केप दबाओगे तो वो कमांड क्या नाम है क्लोज हो जाएगी। नहीं होती एस्केप एक्सेल में नहीं काम करता, आप किसी सेल पे दबाएं वो आपका सारा वो हो जाता है, मेरे हाथ से एस्केप एक्सेल में नहीं काम करता। नहीं अब जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अपने सारे एक्सेल टेबल्स को ना अपने सारे टेबल्स को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लें। यहां पे टेबल की ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएं टेबल की ऑप्शन नजर आ जाती है, इट्स वेरी गुड ठीक है। अगर शॉर्टकट कंट्रोल टी सिंपल आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया, वो आपसे यहाँ पूछता है माई टेबल एंड हेडर्स, हेडर्स में कन्वर्ट कर दें, ओके करें, ये आपका सारा का सारा डाटा एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेल टेबल का एक फायदा है, यहां पे अगर आप जाएं तो यहां पे आपको फिल्टर बटन नजर आ रहा है ठीक है, आप यहां से बड़े इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें मैं इसे कर देता हूं सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसने उसी पूरे डाटा सेट को अरेंज कर दिया 950 फिर 1000 फिर 1050, लेकिन टेबल का फायदा मुझे ये हुआ कि अगर मैं ये बगैर टेबल के यहाँ पे, वैसे भी मेरे पास ना फॉर्मूला डाटा में ऑप्शन होती है, शायद डाटा में ऑप्शन होती है सॉर्ट करने की से, लेकिन वो करता क्या, वो सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करता है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग डाटा को वहीं पड़ा रहने देता है, वो आपका सारा डाटा ऊपर नीचे हो जाता है। ये टेबल क्या करता है, उसने 950 के मैं अगर इसको खत्म करूं, मैं सॉर्ट को खत्म करता हूं कंट्रोल जी दबा के, ये पहले था 1100 के आगे ये वैल्यू थी, तो जब मैं इसे सॉर्ट भी करूंगा तो वो 1100 के आगे वाली वैल्यू, अब यहाँ पे 1100 के आगे मल्टीपल वैल्यू थी तो उन्होंने सबको उसके आगे ही रखता है ठीक है। तो टेबल में अगर आप एक कॉलम को सॉर्ट करते हैं तो वो उसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को वहीं पे रखता है उसके सामने, ये नहीं होता कि आपका डाटा खराब हो जाए ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दैट ठीक है, सो यू कैन यूज दैट शॉर्टकट इफ यू वॉन्ट। The last thing, the most awaited one was कि अगर मैंने एक ग्राफ बना लिया और मैं चाहता हूं कि उसके फॉर्मेट में बार बार कॉपी करना चाहता हूं तो what should I do? ये देखें मैं इस एक ग्राफ को बनाता हूं, insert graph, और यहां पे मैंने ये ग्राफ बना लिया, मैं इसको यहां पे रख देता हूं, बल्कि इसको नीचे ले जाते हैं,
कहीं पे भी रखते हैं आपकी शीट है। मैं इस ग्राफ को एडिट कर रहा हूँ। ये अब जो मैं आपको लास्ट चीज सिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का ना बेतहाशा टाइम बचाएगी कि सिर्फ एक ग्राफ को एडिट कर दें, उसके बाद सबको उसी की तरह वो खुद ही ब खुद एडिट हो जाएगा। मैं इस एक ग्राफ को एडिट करता हूँ, ये देखें मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ टाइम न्यूज रोमन, ठीक है। इसकी एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे एक्सिस पे क्लिक किया, एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ मैं 900 रख देता हूँ 900। और इसका टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, टाइटल डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसके एक्स वाई एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये डाल दिया मैंने। दूसरा मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो मैंने ग्रिड लाइंस कर देता हूँ रिमूव, ठीक है, ग्रिड लाइंस मैंने कर दी रिमूव। और लास्ट चीज जो मुझे चाहिए, मुझे चार्ट की बाउंड्री चाहिए तो मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ ब्लैक, उसी तरह जिस तरह मैंने फर्स्ट ग्राफ प्लॉट किया था, आउटलाइन ब्लैक और यहाँ पे भी आउटलाइन ब्लैक, ठीक है। मैं एक्सिस को टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पे ये टाइटल है स्पीड इन आरपीएम और यहाँ पे टाइटल है दूसरा क्या, टॉर्क, टॉर्क कंट्रोल ए, टॉर्क इन न्यूटन मीटर। अब इसको प्रॉपरली आप कलर कर दें, बोल्ड कर दें, इसको भी आप कलर कर दें, बोल्ड कर दें, आपकी मर्जी। मैंने एक ग्राफ एडिट कर लिया, इसको मैं एडिट कर देता हूं शेप फिल, शेप आउटलाइन सारी एडिट होगी। ये मेरा एक ग्राफ हो गया एडिट। ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, कोई भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह मर्जी एडिट कर सकते हैं, टिक्स भी डाल ही देते हैं, ठीक है, टिक्स की वैल्यू भी डाल देते हैं यहां पे मेजर क्रॉस और इसको भी कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। और आई थिंक तो यहां पे वैल्यू ज्यादा कंसंट्रेट है तो इसको 1 के बजाय 3 कर दें तो आपको 3 ज्यादा हो गया, 2 कर दें तो अब ये बेहतर लग रही है, ठीक है। अब ये मेरा एक ग्राफ हो गया फॉर्मेट। अब मैं एक और साथ ही ग्राफ बनाता हूं, ये एक ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, ये ग्राफ मैंने बनाया और मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ पे यही फॉर्मेटिंग हो जो मैंने इस दूसरे ग्राफ पे की हुई है, ठीक है। तरीका क्या है वो देख ले, ये काफी आपको हेल्प करेगा। बस एक चीज आपने याद रखनी है, बल्कि अभी वो करके दिखाता हूं। जो ग्राफ आपका फॉर्मेटेड है उस पे उसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी वाला शॉर्टकट यूज किया। अब आपने इस पे जाके डायरेक्ट कंट्रोल वी नहीं कर देना, वो आपका डायरेक्ट ग्राफ को ही कॉपी कर देगा। बजाय इसके आपने यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन आपके एक्सेल में होती है। अब जो ग्राफ को आपने फॉर्मेट करना है उस पे देखें, उसको सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने पेस्ट में गए और पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन होती है यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया और वो आपको कहते हैं आप क्या कॉपी करना चाहते हैं, पूरा ग्राफ कॉपी करना चाहते हैं, फॉर्मूला या फॉर्मेट, हम चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो। ओके प्रेस किया और आपके ग्राफ का फॉर्मेट, एक मिनट, कंट्रोल जी एक्सिस का वो चेंज कर देते हैं फॉर्मेट एक्सिस, यही ऑप्शन, यही ये एक सिर्फ मसला होता है जब आपकी एक्सिस की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब ये देखें मैं इस एक्सिस को चेंज कर देता हूं, सिर्फ एक चीज चेंज करनी, 800 कर देते हैं, ये देखें मैंने उसके फॉर्मेट्स को कॉपी किया। अभी जो आप लोगों को नजर आ रहा था ना क्लस्टर, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था 2-2 का, उसने यहाँ पे भी डिफरेंस लिया 2-2 का, तो वो आप लोगों का देखें 800 के बजाय वो 0 से स्टार्ट होकर 1600 तक जा रहा था, ठीक है। अब ये देखें ये वाला ग्राफ बनाने में मुझे 5 मिनट लगे और ये वाला ग्राफ में सिर्फ मैंने वाई एक्सिस का वो चेंज करना होता है स्केल और इसका टाइटल चेंज करना है। इसका टाइटल है, ये है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन BSFC इन किलो जाउल, इन किलोग्राम पर किलो जाउल। तो जो आप किसी भी ग्राफ को, ये वाला ग्राफ ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ था, मैंने सिर्फ इस ग्राफ को कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल से यहां पे पेस्ट किया। अब सिर्फ एंड पे आपको एक चीज करनी पड़ती है और वो है आपको वाई एक्सिस का या एक्स एक्सिस का स्केल चेंज करना होता है, बाकी आपका ग्राफ की वो देखें बिल्कुल उसी तरह एडिंग है, बाउंड्री है,
सब कुछ उसी तरह है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आई कि एक ग्राफ बना ले, उसी के फॉर्मेट को आगे जाने के लिए आपने यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है और पेज स्पेशल में जाकर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वही वाला ग्राफ आपका आगे रेसिप्रोकेट हो जाता है, वही वाली फॉर्मेटिंग सिर्फ ग्राफ आपका अलहदा ही रहता है। ये बात क्लियर है? ये मैं एक दफा दोबारा एक दफा कोई कह रहा है, ये देख ले मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे ये इसका बन गया ग्राफ। अब ये ग्राफ बिल्कुल ये देखे इससे डिफरेंट है और मैं चाहता हूँ कि सारे ग्राफ एक तरह के ही हों। सो मैं इस जो ग्राफ को मैंने कॉपी करना है, मैंने पहले उसे कंट्रोल सी दबाया कॉपी, जिस ग्राफ पे फॉर्मेटिंग कॉपी करना है उसे सिलेक्ट किया, पेस्ट में गए, पेस्ट स्पेशल में क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आती फॉर्मेट की, ये नजर आ रही फॉर्मेट की ऑप्शन, ये नजर आ रही ऑप्शन फॉर्मेट की, फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके प्रेस किया, ये हो गया। अब जो एक इश्यू नजर आ रहा है कि ये डाटा काफी क्लस्टर है तो आप इसको फॉर्मेट एक्सेस कर दें और आप यहाँ पे ले लें 2-2 के डिफरेंस के बजाय 100-100 का डिफरेंस ले लें और ये स्टार्ट हो 800 से, ठीक है। अब ये आपने सिर्फ एक्सेस को एडजस्ट किया, आप और कम कर सकते हैं इसे अगर चाहे 900 भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ओके। सो सिर्फ हमने वो डाटा वहां से पकड़ा, उस पर पेस्ट किया और सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग चेंज की, हमारा पूरा का पूरा जो टाइम था ना फॉर्मेटिंग करने का वो सारा का सारा बच गया, सिर्फ उसका स्केल चेंज करना होता है, बाकी ग्राफ आपका वहीं पे रहता है, ठीक है। तो काफी मजे का टूल है, सिर्फ यहाँ पे एक्सेस का टाइटल चेंज कर दें क्योंकि एक्सेस का टाइटल वो पिछले वाला ही ले लेगा, यहाँ पे BSFC किलोग्राम पर किलो जाउल, ठीक है। अब इस तरह आपका ना वो इतनी ज्यादा बर्डन ऑफ जस्ट फॉर्मेटिंग इट वो बच जाता है, एक को कॉपी किया, एक को बनाया, बाकियों में सिर्फ वही वाला फॉर्मूला रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है, रेप्लिकेट कर दिया, रेसिप्रोकेट नहीं रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर एक बार क्लोज कर दें एक्सेल को कंप्लीट और दोबारा फिर कोई ग्राफ प्लॉट करें तो फिर दोबारा सारा कुछ करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ये देखें आप जब एक दफा एक्सेल को पूरा क्लोज करते हैं ना तो आपके ग्राफ वहीं पे सेव रहते हैं उसके अंदर ही, ठीक है। लेकिन वो फिर आपको दोबारा आके क्या करना पड़ता है वो सुन ले, आपको दोबारा आके कंट्रोल सी से वो ग्राफ को दोबारा कॉपी करते हैं और फिर वो पेस्ट करते रहते हैं, तो वो ग्राफ कहीं भी हो आप उसे क्लोज भी कर दें तो आप दोबारा उसे यूज कर सकते हैं, दोबारा खोलेंगे दोबारा यूज कर लें, ठीक है, दोबारा खोल के वहां से कॉपी करके फिर दूसरे में पेस्ट कर लें। हाँ दोबारा खोल के मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ यहां से ये वाली ग्राफ की फॉर्मेटिंग मैं किसी और शीट में कॉपी करूं, आप वो भी कर सकते हैं, यहां से कंट्रोल सी दबा के आप कोई और शीट खोल के उसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेहतर है कि आप एक दफा ग्राफ बना लें जिसकी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए और फिर उसी को कॉपी करते रहें, बस फॉर्मेटिंग के बाद घबराना नहीं है क्योंकि वो आपकी एक्सिस का स्केल चेंज कर देगा, वो आपने चेंज कर लेना है अपना डाटा देख के आपका डाटा कहां से कहां तक है, ठीक है। अब आप लोगों की कोई और एक्सेल के ग्राफ से रेलेवेंट अगर कोई क्यूरीज है तो काइंडली लेट मी नो। आप लोगों को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक्सेल जरूर सीखें और एक्सेल में बहुत कुछ है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह एक्सेल पे ग्राफ प्लॉट होते हैं इस तरह ही मैटलैब सॉफ्टवेयर उस पे भी होते हैं, तो उसका है हमारा सेशन उसका मैटलैब का एग्जैक्टली है। मैटलैब का ना ग्राफिंग थोड़ा सा एडवांस है, मैटलैब की बेसिक से स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह मैटलैब पे भी काम करेंगे, मैटलैब सॉलिडवर्क्स और हम लोगों ने सोचा हुआ था ऑटोकैड, ठीक है। लेकिन वो आपको भी पता है ये 2020 वाले हैं सो इनको थोड़ा सा बेसिक से कुछ पता होगा तो देन दे कैन डू प्रोग्रामिंग विद मैटलैब, उनको मैट्रिसेस का बताना देन उसको फाउंडेशन बनाना। मैटलैब तो फिर लाइक मैटलैब इज लाइक द गुरु ऑफ एवरीथिंग। हमने भी अभी तक मैटलैब भी यूज किया, मतलब ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स अभी हमारा भी नहीं आया, आप लोगों का भी आएगा इंशाल्लाह। वासिफ भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी वासिफ भाई, जब आपने वो सारे आपका एक ग्राफ जो था उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट किया था वो जरा दोबारा कर दें। हाँ मैं कर देता हूँ, यार एक मिनट रुके, दो तशफीन और ये 2018 AN17 आप लोगों का क्वेश्चन है काइंडली तो बता दें। जी मेरा वही क्वेश्चन था, ये ऑर्गेनाइजिंग डेटा वाला दोबारा बता दें। वो कर देता हूँ ओके, और ये 2018 एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी सेल में या किसी कॉलम में डेटा लगाते हैं उस
उसके कॉपी करके पिच करना होता है तो वो फॉर्मूला जाता है, सारी वैल्यू 0-0 हो जाती है, तो उसका क्या हल है? मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप ये करिए ना कि मिसाल तौर पर यहाँ पे ये लगा हुआ है फॉर्मूला, अब मैं इसे अगर कॉपी करके यहाँ पे पेश करता हूँ तो अभी देखना आप लोग क्या होता है, यूं का आ जाता है ना, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, है ना। अब इसका इसका हल आप लोग भी देख लें कि कहीं पे फॉर्मूला लगा है और आपने उसे कॉपी करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले कंट्रोल सी दबाए, वो आपका सिलेक्ट बाउंड्री आ जाती है, फिर यहाँ पे आपने डायरेक्ट कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करना, राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही होती है ये वैल्यूज वाली, ये वाली ऑप्शन नजर आ रही, मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ, राइट क्लिक करें और पेस्ट में एक वैल्यूज की ये ऑप्शन नजर आ रही 1 2 3 जिस पे लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बजाय इसके कि आपकी वो फॉर्मूलाज को क्लिक करे ये आपकी सिर्फ वैल्यूज को सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द वे, अब मैं कहीं से भी कुछ भी उठाऊ मिसाल तौर पर, ये अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल वी करता हूं तो ये यहां पे हो जाता है, सॉरी मैंने उसे दोबारा उसी तरह पेश कर दिया, अगर मैं उसे डायरेक्ट पेस्ट करूंगा तो वो इस फॉर्मूला को फ्री कर देगा, वो रेफरेंस लिख देगा, तो उसके बजाय आपने से यहां पे राइट क्लिक करना है और बजाय इसके कि आपने वैल्यूज को पेस्ट करें आप सिर्फ यहां पे वैल्यूज को पेस्ट कर ले, ये वैल्यूज पे क्लिक करके, और वो फिर आपकी वैल्यूज को एरर नहीं देगा, ठीक है। आई थिंक सो सेशन हैज एंडेड, बिलाल इफ पॉसिबल काइंडली रिकॉर्डिंग खत्म कर दे।